नवा स्वर्ग चित्ति के आधार न जगत का उदय ध्वंस सत्ता स्फुरित तथा परिवर्तन है और ये सारा जी विश्व चिन्मात्र चित्ति का स्फुरण है ये वर्णन। फिर निष्पाप विद्याधर विषयों तथा विषयों में रहने वाले क्रिया गुण दोष आदि के प्रकाशक चिद्रूप का तनिक भी स्मरण न करते हुए तुम निर्मल जल में प्रविष्ट सूर्य की किरणों की नाई सर्वविध ताप शून्य प्रकाश मात्र विशेष होकर बैठे रहो। संसार उत्कोटर और चमत्कार एवं इसका भी उत्पत्ति पूर्वक अनुभव कराते हैं। अपना जित का आदर्श रहने पर भी तदस्त ये सारा दृश्य प्रपंच चेतना के कारण ही चेतन के भीतर समुद्र में अग्नि के सदस्य विद्यमान है अन्यत्र नहीं। तात्पर्य है कि यदि अन्यत्र ये विद्यमान होता तो उससे असंबंध चेतना के द्वारा इसका प्रकाश कभी नहीं होता और ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं जो अचेत्यमान सिद्ध हो सके तथा चेतना सक्रियता भी नहीं है इससे कि अन्यत्र विषयों में जाकर चैतन्य प्रदान कर सके। यदि वह चेतना सर्वगत मान ली जाए तब तो वह विद्याधर हमारी प्रतिज्ञा सिद्ध हो चुकी ये तुम समझ लो। इस तरह संपूर्ण दृश्य प्रपंच की देशतः स्थिति चित्ती के अंदर सिद्ध कर अब उसे कालातः सूचित करते हुए चित्ती की कार्यता सिद्ध करते हैं। चित्ती अपनी चेतना शक्ति से सचेत और अचेत पदार्थों की पूर्व के ही समान हेतु विवर्तोपादन ऐसे हैं जैसे कि अग्निज्वाला के विकास और उत्पत्ति का हेतु पवन है। तात्पर्य है कि चित्त का विवर्त ही चित्त का चमत्कार है। इसमें अहम इस सचेतनांश के त्याग द्वारा ही सचेतन और अचेतन दोनों अंशों के त्याग की सिद्धि हो जाने से चिन्ह मात्र की अवस्थिति सिद्ध हो जाती है। ये कहते हैं अहम पदार्थ कुछ नहीं है यो अहंकार के आस्पंद अंश का बाध करके प्रत्येक चिद्रूप को शेष रखकर विकल्प के हेतु को हेतुओं के क्षय से ही विकल्प निर्मूल पूर्ण चित्ती में तुम्हारी विश्राम हो जाए। शेष बचे प्रारब्ध का क्षय होने पर तो जिस रूप से स्थित रह सकते हो उसी रूप से तुम स्थित रहो। जल से पूर्ण दुग्ध का जल नष्ट हो जाने पर भी जो रूप शेष रहता है उसी के समान तुम्हारा अनुपम ब्रह्मरूप ही शेष रूप रहता है। ये कहते हैं जैसे स्वच्छ जल समूह के बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल दिखता रहता है वैसे ही समस्त पदार्थों के बाहर और भीतर चिद्रूप से तुम ही स्थित दिखते हो। हे विद्याधर ये अहम पदार्थ बिल्कुल नहीं है यो अहंकार का प्रत्याग कर यदि तुम्हारी चिद्रूप चित्ती में पूर्ण ऐक्य को प्राप्त हो जाए तो बताओ तो सही तुम्हारे सिवा भला ऐसी प्रकाशित कौन सी वह दूसरी वस्तु है जिससे कि किसी अन्य के साथ ब्रह्मरूप तुम्हारी उपमा दी जाए। सूर और असुरों से व्याप्त पाताल पृथ्वी और स्वर्ग की नाई स्थिति एवं प्रीति हर्ष क्रोध युद्ध जय पराजय आदि नाना भावों से तथा पलायन अनुधावन आदि अत्यंत वेगपूर्वक दौड़ने आदि भावों से व्याप्त तत्त अनुरूप क्रिया काल से व्याकुल हुआ शासन रंगमय चित्र में लिखित जगत दीवार में लिखित मुनि शरीर की नाई जैसे व्यापार शून्य ही स्थित रहता है वैसे ही माया सबल चित्ती रूप चित्रकार के द्वारा विरचित ये जगत रूपी चित्र भी शुद्ध चिदाकाश रूपी दीवार में विकार शून्य अद्वैत रूप से ही संस्थित है जगत भाव से नहीं अचेतन या चेतन मिथ्या जगत रूप या परमार्थ सदरूप ब्रह्म से जो ही अपने आप चित्ती में चित्रित होता है वही सब चेतन रूप हो जाता है। ये दोनों तुम्हारे अधीन है अब इनमें जो तुम चाहो सो करो तुम्हारी इच्छा हो तो समाधि लगाओ या न हो तो उससे विरक्त हो जाओ। अज्ञानियों की अपेक्षा तत्वज्ञानियों में सिर्फ यही विशेषता रहती है कि जैसे मरुस्थल में महानदी आदि के रूप में दिखाई दे रही सूर्य की किरणें मज्जन मरण आदि का भय उत्पन्न हो जाने पर उनको तैर जाने का कोई सुमचित उपाय न सूझने से मरुस्थल का ज्ञान न रखने वाले को तट के इधर ही रोक रखती है। जिस महापुरुषों को मरुस्थल का असली ज्ञान हो चुका है उन्हें तो स्वच्छ भासती है वैसे ही एक
के विज्ञान से तत्वतः सबका विज्ञान हो जाने पर तत्वज्ञानियों को चिदाकाश में स्फुरित हो रही ये चित्ती की चमत्कृतियाँ कुछ भी बाधा नहीं पहुँचाती, उन्हें तो बिल्कुल स्वच्छ मालूम पड़ती है, किंतु अज्ञानियों को तो अवश्य ही बाधा पहुँचाती हैं।